कोरोना काल में हुई NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा का परिणाम आज आ गया है। नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं हम। ये वही परीक्षा है जिसके आयोजन पर हमारे देश के कुछ लोगों ने बड़े बड़े सवाल उठाए थे, एक नकली आंदोलन खड़ा कर दिया था और इसे रुकवाने के लिए हमारे देश के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्रों को आज हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन छात्रों का जो करियर आज से बनेगा वो इसलिए बनेगा क्योंकि ये परीक्षाएं ठीक समय पर हो पाई। और बहुत सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि ये परीक्षाएं ना हो, उन सारे लोगों की हार हुई और आज इन बच्चों की, इन छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। आज DNA की शुरुआत में हमने आपको बताया सदर बाजार में लोग कैसे भीड़ भाड़ लगाकर बड़ी संख्या में, एक बार फिर से आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं सदर बाजार की तस्वीर, देखिए कैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता नहीं। और उससे पहले हमने आपको लिवरपूल की, ब्रिटेन की तस्वीरें दिखाई थी जहां लोग पार्टी कर रहे हैं, वहां भी किसी को चिंता नहीं। अब आप ये सोचिए जब लोग इस कोरोना काल में ऐसे पार्टी कर सकते हैं, खरीदारी के लिए बाहर निकल सकते हैं, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो क्या परीक्षा नहीं दे सकते? क्या इन सारे लोगों को विरोध करने के लिए सिर्फ एक परीक्षा ही मिली थी? ये सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं कोरोना वायरस की। क्या सिर्फ बच्चों की परीक्षा रोकने में ही सारी ताकत लगाना ठीक था? आज आप सबके लिए ये सोचने का दिन है। आज पूरे देश को ये सोचना चाहिए था कि कैसे कितने गलत मुद्दे पर ये एक नकली आंदोलन खड़ा करने की कोशिश तब की गई थी छात्रों के नाम पर, जबकि छात्र ऐसा कभी नहीं चाहते थे। नीट की प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी और 33 दिनों में इसके नतीजे आ भी गए, बहुत बड़ा दिन है। अब इस परीक्षा में सफल हुए छात्र मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस बार की नीट परीक्षा में ओडिशा के राउरकेला जिले के शोएब आफताब ने टॉप किया है और आज हम शोएब आफताब को बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शोएब आफताब को 720 में से 720 अंक मिले हैं, 100% मार्क्स, यानी शोएब ने नीट की परीक्षा 100% अंकों से पास की है। शोएब और उनकी मां सुल्ताना रजिया ने जी मीडिया से आज बात की, उन्होंने क्या कहा ये आज देश के सभी छात्रों को सुनना चाहिए और उनके परिवार को भी सुनना चाहिए। जो भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने गोल्स को लेके सीरियस रहें और अपने पास से डेविएट ना हो और अपने जो आपका जो पाथ है उस पर फोकस्ड रहे और जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आपको उसे फेस करना चाहिए, उससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि इस साल कोविड का प्रॉब्लम था उसको भी मैंने अपने एडवांटेज में लिया और मैं उसे एडवांटेज में काउंट करता हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में कर पाया और मैं कोटा में ही रहा, मैं घर नहीं गया, इससे क्या है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हो पाए मेरे। आपने कहा आप कार्डियो में जाना चाहेंगे, कोई खास नहीं, कोई खास वजह वैसे तो नहीं है, इंडिया में जो भी केसेस होते हैं कार्डियो के ज़्यादा होते हैं तो इसलिए बस। बहुत मेहनत परिजनों की भी रही, किस तरह पूरा एक तरह से तप इन्होंने किया आप देखिए। हाँ, जैसा कि मेरे पापा को अकेले रहना पड़ता था ओडिशा राउरकेला में और मेरे मम्मी और मेरी बहन मेरे साथ थी और जैसा कि उनके जो सोशल लाइफ को उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उनका बेटा जग में नाम रोशन करे, आज वो दिन है। जी सर, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिन है सर। भावुक है, पूरा देश आपके साथ। कंट्रोल नहीं कर सकते सर, मतलब आज एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये जो संघर्ष आपने किया क्या कहें कि उसका परिणाम आज मिला? आज बहुत बड़ा परिणाम मिला मुझे। सक्सेस इज व्हेन यू डेफिनेटली हमारे भी टर्न इनटू ऑटोग्राफ सर। सक्सेस बहुत बढ़िया, हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस बिल्कुल हर आदमी के पास होना चाहिए सर। कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क जिसके पास है सर वो सक्सेस जरूर मिलेगा उसको। बेटे ने एम्स सुना है, कार्डियो बनेंगे,
किस तरह आगे इन्हें आप एक मैसेज देना चाहेंगी लोगों की सेवा करने के लिए? यस सर, मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को सेवा हो, सारे भारत के आदमी, जितने भारत बस में जितने मतलब आदमी हैं जो इलाज नहीं कर पाते हैं, उसको जरूर उसको सक्सेस उसको जरूर उसको ये खुशी के और आपके संघर्ष के आंसू है। जी न्यूज भी इसे सलाम करता है। आप भी आपकी भी मेहनत रही, भाई ने आपका जिक्र किया, आज ये सफल हुए हैं, कल आपका दिन है, क्या कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप ड्रीम करते हो उसे आपको पूरा करना है, और ये इंस्पायर मैंने अपने भाई से सीखा। बिल्कुल, एक जब एक बच्चा सफल होता है इस तरीके से, जब एक छात्र सफल होता है इस तरह के किसी परीक्षा में, तो वो उस छात्र की सफलता नहीं होती, पूरे परिवार की सफलता होती है, उसके माँ बाप की सफलता होती है, भाई बहनों की सफलता होती है। इसलिए ये देश के हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। देश के हर परिवार के लिए अगर आप हमसे पूछें तो सबसे बड़ी खबर आज यही होनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा शोएब देश के हर परिवार को प्रेरित करेगा, देश के हर युवा को, हर छात्र को प्रेरित करेगा कि मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव होता नहीं है। और अब आप सोचिए, इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने शोएब के इस भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने ये कोशिश की कि शोएब अपना इम्तिहान ना दे पाए, ये इम्तिहान रद्द हो जाए। और अब आप सोचिए, अगर ये इम्तिहान रद्द हो गए होते तो शोएब जैसे जो लाखों छात्र हैं उनका क्या होता? शोएब की माँ को अभी आपने देखा, वो भावुक हो गई। उन जैसे माँ बाप का क्या होता जिन्होंने अपने बच्चे के साथ वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शोएब की माँ ने कहा कि आत्मविश्वास और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और जैसा शोएब ने करके भी दिखाया। शोएब दिल्ली के एम्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका सपना एक कार्डियोलॉजिस्ट बनकर देश की सेवा करना है, और हम शोएब को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। शोएब की माँ उनको और भी ज़्यादा हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है। और देश के हर परिवार को भी आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस बच्चे से, इसके परिवार से ज़रूर आपको सीखना चाहिए, इससे ये सीखना चाहिए कि मेहनत करके कैसे सफलता हासिल की जा सकती है इस तरह के माहौल में भी जो बहुत नेगेटिव है।